देवास जिले के खातेगांव कृषि उपज मंडी अब पूरी तरह ई मंडी बनकर तैयार हो चुकी है। हाईटेक प्रोजेक्ट मॉडल प्रोजेक्ट होने से कृषकों के लिए उच्च स्तरीय व्यवस्था भी खातेगांव मंडी में विकसित करेगी। 15 फरवरी से खातेगांव कृषि उपज मंडी अब ई मंडी हो गई है, जहां उपज बेचने के लिए पर्ची बनाने, उपज की नीलामी, उपज का तोल व भुगतान तक का पूरा कामकाज ऑनलाइन कर दिया गया है। हाईटेक प्रोजेक्ट मॉडल प्रोजेक्ट होने से कृषकों के लिए उच्च स्तरीय व्यवस्था भी खातेगांव मंडी में विकसित की जा रही है। किसान सहायता केंद्र एवं प्राथमिक चिकित्सा कक्ष मंडी में स्थापित किया गया। किसानों को शुद्ध पेयजल एवं कैंटीन में मात्र 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। शासन ने अभी 42 मंडियों को ई मंडी का दर्जा दिया है, जिसमें खातेगांव मंडी भी प्रमुख मंडी है। हम खातेगांव मंडी अपने योना हम 5 फरवरी से पूरी तरह से ई मंडी घोषित कर चुके हैं। मैनुअल सारा काम बंद है, सारे प्रवेश पर्ची, भुगतान, तौल पर्ची, सारी चीज़ हमारे डिजिटल माध्यम से किसान को दी जा रही है। जी, खातेगांव मंडी भी चूंकि अवर की मंडी है, तो यहाँ पर भी ई मंडी योजना शुरू की गई है। प्रबंध संचालक महोदय के निर्देशानुसार हमने 5 फरवरी से संपूर्ण थोक नीलाम ई मंडी से कर दिया है और मैनुअल कार्य पूरी तरह से बंद है। 15 फरवरी से खैरची नीलाम भी ई मंडी में होने के बाद पूरी मंडी जो है मैनुअल कार्य से मुक्त होकर के ई मंडी और पोर्टल के माध्यम से ही कार्य कर रही है। किसान जो है वो स्वयं से भी प्रवेश पर्ची जारी कर सकता है और प्रवेश गेट पर इलेक्ट्रॉनिक प्रवेश पर्ची भी उसे प्रदान की जाती है। उसके बाद POS मशीनों से उसका नीलाम होता है, तौल भी मोबाइल ऐप पे डलती है और व्यापारी भुगतान पत्रक भी मंडी पोर्टल के माध्यम से बनाता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।